कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। बेटे मैं आज के लेक्चर में आपको डिविडेंड डिसीजन की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप इसके बाद डिविडेंड डिसीजन के मेरे लेक्चर्स देखने वाले हैं। मैंने 6 लेक्चर्स लिखे हैं जो थ्योरी कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल को समझाते हैं, और बेटे 3-4 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। लेकिन मैं रिपीट करूंगा कि आप पहले मेरे वो 6 लेक्चर्स देखेंगे जिसमें मैंने थ्योरी कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं, आप भी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। वो बात अलग है कि आप होमवर्क ना करें, लेकिन एटलीस्ट क्लास वर्क में जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो आप मेरे सामने रजिस्टर में लिखेंगे। जब मैं बोलूंगा लिखें तो आप लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा बेटे, तभी कंसेप्ट समझ आने, नहीं तो आप अपने साथ मजाक कर रहे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का होना चाहिए था CS एग्जीक्यूटिव में, और बेटे ये पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में था, वहां से इन्होंने हटाकर एग्जीक्यूटिव में दे दिया। और आपको एक राज की बात बताऊं, डिविडेंड पॉलिसी में जितने टॉपिक्स जो भी कंसेप्ट्स प्रोफेशनल लेवल में थे ओल्ड सिलेबस में, डिटो कॉपी पेस्ट मारे और उन्होंने एग्जीक्यूटिव में दे दिए। इसका मतलब एक फुल स्टॉप, एक कॉमा भी नहीं हटाया बेटे। सारी थ्योरीज वॉल्टर की, मोडी गिलानी की, जो वहां करते थे, जो हम बच्चों को वहां बताते थे, बिल्कुल उन्होंने यहां पर एग्जीक्यूटिव में दे दिए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, जो डर गया सो मर गया। मैं भूपेश आनंद आपकी पूरी मदद करने वाला हूं। तो इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं कि डिविडेंड डिसीजन के जो आप चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स आप देखने वाले हैं उसको कैसे देखेंगे। एक बार रजिस्टर ओपन कर लीजिए प्लीज बेटे, एक बार रजिस्टर खोलिए और देखिए मैंने क्या लिखा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी आपकी लाइफ के लिए, और पहले भी इंपॉर्टेंट था, आने वाले युगों तक इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने अपनी लेक्चर्स में जो आप मेरे थ्योरी कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लेक्चर्स देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, बेटा थ्योरी के लेक्चर्स में मैंने रियल केस स्टडीज लिए रिलायंस की, मैंने रियल केस स्टडीज लिए नेरोलैक पेंट्स की, मैंने रियल केस स्टडीज लिए पतंजलि की, आपको ये बताने के लिए कि डिविडेंड पॉलिसी बाकी सब कंपनीज ग्लोबली कैसे फॉलो कर रही है, क्या अडॉप्ट कर रही है, वो कितना डिविडेंड देती है, वेदर दे आर गिविंग डिविडेंड और वेदर दे आर गिविंग बोनस शेयर्स, बेटे ये सारी बातें मैंने आपको उन लेक्चर्स में बताई हैं। तो आपको सारे लेक्चर्स पहले देखने, समझने और उसके बाद विकिपीडिया में जाकर थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करना है बेटे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ड्राइव करना, पहले मत करना। मैं बता रहा हूँ लाइफ लॉन्ग का एसेट आपका बन जाएगा। मैंने एक बात लिखी आज आपके लिए, करप्ट करप्ट अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। ये आपने सुना होगा बेटे, जब बहुत छोटे थे ना तो आप ये बातें सुनते थे, रहीम के मुहावरे सुनते थे, कबीर के मुहावरे सुनते थे, आप पता नहीं क्या हो गया आपको, आप ना तो मुहावरे सुनते हो, पता नहीं क्या चिड़चिड़े से रहते हो बेटे। नहीं बेटे, पॉजिटिव रहना है और इन पुरानी बातों को याद रखना। जब आप छोटे थे, करत करत अभ्यास से, बार 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 करने से जड़मती बुद्धू भी सुजान समझदार बन जाता है। जिस तरह से रस्सी के आने जाने से, रस्सी आवत जावत से सिल पर परत निशान, बेटे पत्थर पे निशान पड़ जाता है रस्सी के आने जाने से, कितना स्ट्रॉन्ग होता है पत्थर, रस्सी का क्या दम, लेकिन वो बार बार आ रही है बेटे। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, आपने रेगुलरिटी दिखानी है अपनी पढ़ाई में, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, खाने में ध्यान देना है। मैं ये बता सकता हूँ 100% आपकी जीत होगी। आइए मैं जल्दी से एक बार आपको पूरा ब्यौरा बता दूं लेसन नंबर 6 का। बेटे ये चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी है, ये ओल्ड सिलेबस में भी था, इसलिए कई जगह मैंने अगर प्रोफेशनल वर्ड यूज कर दिया हो तो घबरा मत जाना बेटे, कंसेप्ट वही है, खाली पेज नंबर में चेंज हो सकता है, क्योंकि पिछली बुक में पेज नंबर कुछ और था, इस बुक में पेज नंबर कुछ और है, लेकिन कंसेप्ट वही है, क्वेश्चंस वही है। आपका पूरा स्टडी जो न्यू सिलेबस का CS एग्जीक्यूटिव में, जो लेसन 10 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन और केस स्टडीज दिए, मैंने पूरा इंक्लूड किया। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जो जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करते जाए। तो पहली बात, नंबर ऑफ कंसेप्ट बेटे 25 है। बेटे पूरे डिविडेंड पॉलिसी में मैंने 25 कंसेप्ट से इस चैप्टर को डिवाइड किया है। आपके पास बुक होगी, आप आराम से बुक को देख सकते हैं, और बुक में मैंने ऑलरेडी बेटे डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी की बातें की है।
अभी अभी मैं बुक दिखा भी देता हूँ बेटे बेटे 25 कॉन्सेप्ट्स मैंने इन लोगों दिए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस दो ही रखे हैं, प्रैक्टिकल बेटे 26 क्वेश्चन रखे हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें से मैंने कुछ तो होमवर्क दिए होंगे, भले होमवर्क मत करना यार, क्लास वर्क तो जरूर करना, मेरे सामने करना, जब मैं कहूंगा बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना, बिल्कुल आप मोबाइल फोन बंद रखना, तब जाकर आपको वो बातें समझ आएंगी। आप सोच रहे हैं व्हाट्सएप से आंसर भी करता जाऊं, मैसेज भी देख लूं, थोड़ी सी झपक पलक भी झपका दूं, लेट के पढ़ लूं, कुछ नहीं होने वाला बेटे, विद्या का धन नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए। और नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स मेरे 6 हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हमने करने हैं बेटे, उसके मैंने 3 लेक्चर्स बनाए हैं, 50-60 मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए, अलग अलग जगह से लिए हैं बेटे। बेटे आपका स्टडी भी इंक्लूड किया है, मॉडल पेपर इंक्लूड किया है, सीए के पेपर्स इंक्लूड किए, आईसीडब्ल्यू के इंक्लूड किए, और भी बड़े सारे सोर्सेज हैं, बीकॉम के इंक्लूड किए हैं, तो जाकर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हैं। 100% मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि आप अगर ये सब कर लेंगे तो आपके 60 में से हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं। आइए एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि आप मेरे अपने हैं बेटे, ये चैप्टर बड़ा नॉर्मल सा चैप्टर, मैंने पहले लेक्चर के थ्रू ये बताना की कोशिश की कि डिविडेंड होता क्या है, मैंने आपके साथ चर्चा की, मैंने आपके साथ में मुद्दे रखे, और फिर आपसे ही आंसर मांगने की कोशिश की कि भाई आप बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो सारे लेक्चर्स एंजॉय करेंगे। और बेटे जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। बेटे ये जो डिविडेंड डिसीजन है ना, डिविडेंड डिसीजन इसी को तो करने जा रहे हैं, या तो आप डिविडेंड डिसीजन कह दें या डिविडेंड पॉलिसी कह दें। आपको डिविडेंड देना इंडिया में एज पर कंपनी एक्ट 2013 कंपलसरी नहीं है। एक खास बात और बता दूं, पूरी दुनिया में भी कंपलसरी नहीं है डिविडेंड देना टू कॉमन शेयर होल्डर्स। तो यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बेटे कुछ यूरोपियंस हैं, बॉल्टर है, मोडी गिलानी है, हम उनकी बातें करेंगे, उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, वही अजम्पशंस देखनी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर पाएंगे। तो मैंने कहा जी इसमें 4-5 बातें हमें देखनी है, मीनिंग समझना है, थॉट समझनी है, टाइप समझना है, और केस स्टडी समझना है। बेटे 3-4 बातें अगर हम कर लें तो यकीन मानिए आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद शब्बा कह लूंगा आपसे, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप आने वाले ये जो लेक्चर्स मेरे आप देखेंगे इनमें काफी इंजॉय करने वाले हैं, और आपको काफी अच्छा लगेगा। इवन आप ये फील करेंगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे को जो फीडबैक आता है यूट्यूब से बेटे, बच्चे कहते हैं जी हम तो ऐसा लगता है आप बिल्कुल सामने खड़े हो, हम जब थोड़ा सा झुकते हैं अचानक आपकी आवाज आती है कि कमर सीधी करके बैठो। उम्मीद है आप भी इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे और यूट्यूब में कमेंट लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।